temple construction in the early 11th century. So 999 में चंदेला डायनेस्टी के एक राजा थे धंगदेव, उन्होंने कांद्रीय महादेव टेम्पल बनवाया था भगवान शिव की पूजा के लिए. सो आप ये जो फिगर देख रहे हो 3B, इसमें उस टेम्पल का प्लान दिया हुआ है. ठीक है, जो हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, पहले प्लान बनाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे ये वाले सेक्शन में दी हुई है. एन ऑर्नामेंटेड गेट वे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल महामंडपा वेयर डांसेस वर परफॉर्म्ड. तो जो मेन गेटवे है वो बहुत ही भव्य है, ऑर्नामेंटेड है, और फिर उस गेटवे के थ्रू अंदर जाया जाता है. और जब जाते हैं तो फिर क्या आता है, सबसे पहले मेन हॉल आता है, और मेन हॉल को महामंडपा भी कहा जाता है. तो महामंडपा एक तरह से एक बहुत ही बड़ा सा हॉल है. ठीक है, और उस हॉल में डांसेस वगैरह परफॉर्म होते हैं, लोग जो आम आदमी वगैरह हैं वो वहाँ आके इकट्ठे होते हैं और पूजा पाठ करते हैं. द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन गर्भगृह. तो जो सबसे अंदर वाली श्राइन है, जो गर्भगृह है, वहाँ पे जो भगवान है, जो जिनकी पूजा के लिए मंदिर बनाया गया है, भगवान शिव, उनकी मूर्ति रखी जाती है. सो गर्भगृह में ही पूरी पूजा पाठ होती है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजा, उनकी इमीडिएट फैमिली, मतलब जो उनकी पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके जो स्पाउस हैं और बच्चे हैं, सिर्फ इमीडिएट फैमिली जा सकती है, और प्रीस्ट जा सकते हैं. इसके अलावा और कोई गर्भगृह में नहीं जा सकता था पूजा करने के लिए. तो जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रॉयल टेम्पल्स हैं जहाँ पे कॉमनर्स का आना अलाउड नहीं था, जहाँ पे आम आदमी जो है वो नहीं जा सकते थे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो राजा रानी थे वही पूजा कर सकते थे. द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलैबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स. तो बहुत ही बड़े बड़े जो स्कल्पचर्स वगैरह थे वो बनाए जाते थे इन मंदिरों के आसपास, और उनको उनसे और सजाया जाता था, डेकोरेट किया जाता था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजा राजेश्वर टेम्पल एट थंजावुर. तो ये जो राजा राजेश्वर टेम्पल है, इसका टॉलेस्ट शिखर था अमंग द टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम. मतलब कि जिस टाइम पे ये टेम्पल बनाया गया था उस टाइम पे सबसे ऊंचा इसका शिखर था. शिखर क्या होता है, शिखर है ये जो कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो ये वाला ये है शिखर, और इसी के नीचे क्या होता है, वो होता है गर्भगृह, जहाँ पे मेन डेटी की मूर्ति रखी जाती है और फिर पूजा होती है. राइट, नाउ कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. हमें पता है कि भाई इतना बड़ा शिखर बना है, पत्थर वगैरह से बनाया गया है, तो उसको बनाना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो क्रेन्स भी नहीं थी, और बड़ी बड़ी मशीनें, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे. तो डेफिनेटली इसको बनाना काफ़ी मुश्किल काम था. और बात करें तो इसका जो शिखर है उसके टॉप पर एक 90 टन का स्टोन है. तो इतना भारी स्टोन किस तरह वो लोग लाए होंगे, किस तरह उसे यहाँ पे फिट किया होगा, और उस टाइम पे अगेन मशीनरी तो थी नहीं, क्रेन्स तो थी नहीं, तो फिर कैसे किया होगा इन लोगों ने, और सारा काम जो है वो मैन्युअली होना है. सो आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने भारी पत्थर को कोई इंसान उठा के बस यहाँ से चढ़े और जाके फिट कर दे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है. तो आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, एक इंक्लाइंड पाथ बनाया. ठीक है, व्हाट दे डिड, दे बिल्ट एन इंक्लाइंड पाथ. तो उन्होंने क्या किया कि इस के जो शिखर के टॉप से लेकर और आगे तक एक ऐसे इंक्लाइंड पाथ बना दिया. क्योंकि आप देखोगे ये वाली जो स्लोप है ये तो बहुत स्टीप है एकदम, बट अगर इस तरीके की स्लोप बना दें हम और बहुत आगे तक, है ना, मेरी स्क्रीन कम पड़ेगी बल्कि, तो और आगे तक इस तरह से वो बना दें ताकि आदमी जो है इस पर आराम से चल पाए बिना किसी प्रॉब्लम के. तो इसलिए उन लोगों ने इस तरीके से एक इंक्लाइन पाथ बना दिया. द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप. तो ये जो पाथ था, ये जो इंक्लाइन इस तरीके से पाथ बनाया है, ये लगभग 4 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है वहाँ से स्टार्ट किया था, ताकि जो स्टीप है, इसकी जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप ना हो, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई ना हो, नॉर्मल रहे, स्लोप इतनी ज़्यादा ना रहे. और फिर क्या किया कि जो पत्थर है, जो इतना बड़ा स्टोन है, उसको रोलर्स पे रखा और रोल करते करते इसको ऊपर तक ले आए, तो काम थोड़ा आसान हो गया ना. तो इस तरह कुछ इसके टॉप पे जो स्टोन है उसको फिट किया. अब जब ये मंदिर बन गया तो फिर उसके बाद ये जो इंक्लाइंड पाथ बनाया था उसको डिसमेंटल कर दिया. बट जो उस गांव के रेजिडेंट्स थे उनको इस जो मंदिर है उसकी पूरी यादें उनके दिमाग में रहीं, कि उन्हें काफ़ी टाइम तक याद रहा कि अच्छा इस तरीके से उन लोगों ने बनाया था, इतना इंक्लाइंड पाथ निकाला था और हमारे गांव से शुरू किया था वो पाथ. तो इस तरह से लोगों के दिमाग में मेमोरी रही उसकी कंस्ट्रक्शन की, और आज भी वो जो विलेज है उसको चारूपल्लम के नाम से जाना जाता है, द विलेज ऑफ इंक्लाइन के, वो विलेज जहाँ से जो इंक्लिनेशन पाथ है वो स्टार्ट हुआ था. ठीक है,